खबर गाजीपुर से है, जहां दुल्लहपुर थाना अंतर्गत ग्राम देवा चौबे का पूरा में राजा पांडे नाम के बच्चे को चाकू से मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है नरेंद्र पांडे पुत्र कमला पांडे, नित्या पांडे, बबलू पांडे पुत्र नरेंद्र पांडे, अनिल पांडे पुत्र कमला पांडे, रविंद्र पांडे, नरेंद्र पांडे आदि लोगों ने किसी बात को लेकर राजा नाम के लड़के से भिड़ गए। आपस में गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बीच बचाव के लिए कुछ लोग सामने आए, लेकिन इन लोगों के बीच झगड़ा इतना काफी बढ़ चुका था कि आवेश में आकर लड़के के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। घर वालों का कहना है कि चाकू लगने से मेरा पुत्र काफी चोटिल हो चुका है। आनंद फानंद में पुलिस को फोन किया गया तो SO दुल्लहपुर ने पुलिस बल भेज कर राजा पांडे को सदर अस्पताल गाजीपुर एम्बुलेंस द्वारा भिजवा दिया, लेकिन FIR दर्ज करने से बचते रहे। जिसे परेशान होकर राजा पांडे के घर से उनकी मां और बहन ने SP गाजीपुर से गुहार लगाई तो पता चला SO दुल्लहपुर ने FIR दर्ज करा लिया है, लेकिन SP से शिकायत के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे। पीड़ित के घर वालों का कहना है कि आरोपी अनिल पांडे का जिला पंचायत सदस्य होने के कारण दरोगा आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है हम लोग बच्चे को लेकर परेशान हैं, जबकि SO हम लोगों की एक नहीं सुन रहे, जिनका सह पाकर अभियुक्त गण हम लोगों को धमकी भर दे रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही। इस पूरे मामले में पीड़ित के घर वालों ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आपका क्या हुआ था उस रात, दरोगा ने क्या किया? दरोगा ने दुल्लहपुर केसों ने आया जबरदस्ती हमको जबरदस्ती थाने पर नहीं FIR दर्ज करवाया, नहीं करवाया, और जबरदस्ती जाके एक्सीडेंटल केस में यहाँ पे भर्ती करा दिया गया। हाँ, आपके बेटे को। हाँ, और FIR नहीं दर्ज किया था, नहीं हुआ। दुल्लहपुर का SO ने हमारे साथ ऐसा किया। ठीक है, फिर आप कहाँ गई उसके बाद, SP के यहाँ गई थी कप्तान साहब के पास? कप्तान के पास गए और कप्तान के एप्लीकेशन दिए, कप्तान साहब ने पूछे कि बताइए कि आपका FIR दर्ज नहीं किया गया, हम कहें कि नहीं हुआ सर। वो लोग अरेस्ट नहीं हुए अभी तक, जबरदस्ती हमको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, और आज तक अभी तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से SP साहब, आप क्या चाहती हैं उन लोग को? हम चाहती हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दिया जाए। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनीता उपाध्याय। अनीता जी, किस गांव की निवासी है? मैं दुल्लहपुर में आती हूँ, गाजीपुर जिला। फिलहाल मुंबई में है, मेरे भतीजे, मेरा जो भांजा है राज पांडे, इसके साथ हमारे गाजीपुर जिला पंचायत अनिल पांडे ने और अपने रविन्द्र नाथ, नरेंद्र, धीरज, सतेंद्र, गबलू, गोलू, तहसीलदार पीयूष कांत पांडे, सत्येंद्र पांडे, इन लोगों के साथ मिल करके, चिंतू और अजय एक है उनका रिश्तेदार, इन लोगों के साथ मिल करके बहुत विधिवत मेरे राज को मारा गया और उसको चाकू मार के लोग अब मुर्दे की हालत में फेंक दिए, और हमारे भाइयों को धमकी दिया गया कि जो बीच में आएगा उसको हम जान से मारेंगे, हम जिला पंचायत है, हम नेता है, हम पुलिस को खरीद सकते हैं, हम पुलिस की वर्दी हमारे बस में है। दुल्लहपुर का SO जो दरोगा है वो बोलते हैं कि हमारा दोस्त है, वो जो हम कहेंगे वही करेगा, हम खून भी कर देंगे तो हमें अरेस्ट नहीं करेगा, पुलिस हमारे दरवाजे पे नहीं आएंगे, और यही हो रहा है अभी तक। कल परसों शाम को ये घटना मेरे यहाँ मुंबई से, मैं यहाँ पे आ गई अपनी 5 साल की छोटी बच्ची को छोड़ करके, लेकिन अभी तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, गुंडा बन के घूम रहे हैं और धमकियां पे धमकियां दे रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी लड़ाई कर सकते हैं, जान से मार सकते हैं, चाकू मार सकते हैं, बंदूक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारा पुलिस हाथ में है, पुलिस हमारी कुछ नहीं करेगी। ऐसे में देखा जाए कि आपका परिवार जो है SP से गुहार लगाया है। हमारा SP से गुहार, DM साहब आए थे यहाँ हॉस्पिटल में किसी कोरोना के।